हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्य द स्टूडेंट फॉर यू में। तो वेरी वेरी वेलकम। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि थायमस एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी का कंप्लीट करने वाले हैं। सेकेंड लास्ट ग्लैंड ही बची है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो वी स्टार्टेड द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहले समझ ले कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ब्रेन वाला पार्ट में। इतना जो पार्ट होता है उसकी ये यहाँ पर इससे प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर ये कॉर्पस कैलोजम है ना, ये अलग, और यहाँ पर हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइजिस सेरिब्री, क्योंकि इस वाले पार्ट को हाइपोफाइजिस सेरिब्री भी बोला जाता है। इट इज़ स्मॉलर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड इन द बेस ऑफ द ब्रेन, क्योंकि देखो ये पूरा ब्रेन है, उसका बेस के नीचे प्रेजेंट होती है। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, बेस ऑफ द ब्रेन बोला जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ मास्टर ग्लैंड ना एंडोक्राइन ऑर्चा, बिकॉज इट प्रोड्यूस नंबर ऑफ हारमोन्स विच कंट्रोल सिक्रीशंस, ठीक है, जो कि क्या करेंगे सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे क्या होगा कि यहाँ से जितने भी हारमोन्स निकलेंगे वो अलग अलग जितने भी ग्लैंड्स रहती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी, थायराइड, थायमस, जितने भी ग्लैंड्स होंगी उन सबको रेगुलेट करने का काम करेगी। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। एंड दिस ग्लैंड लाइज हाइपोफाइजिस फोसा एंड द सेला टर्सिका एंड द पिट्यूटरी फोसा, जिस रीजन में ये प्रेजेंट होती है। देखो ये शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन को, हम दिख पूरे स्कल को ऐसे उठा के देखें तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो सेला टर्सिका, जो कि स्फेनॉइड बोन में प्रेजेंट होता है, और इसको पिट्यूटरी फोसा भी बोला जाता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से निकलती है। तो इट इज़ फोसा इज रूफ्ड बाय द डायफ्राम सेलाई एंड स्टक ऑफ द हाइपोफाइजिस स्पीयर्स द साइफन एंड इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, जो कि यहाँ पर आने वाला जो थर्ड वेंट्रिकल है उससे अटैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं शेप एंड द डायमेंशंस। तो इट इज़ ओवल इन शेप, एज यू कैन सी दिस इन द पिक्चर्स, दिस इज ओवल इन शेप, ठीक है। यहाँ पर इस आकार में अटैच होती है, ओवल शेप की होती है। एंड मेजर एंटरोपोस्टीरियली, एंटरोपोस्टीरियर मतलब आगे और पीछे, यहाँ आगे से लेके पीछे तक ये 8 mm की हो सकती है। देन हम बात करें तो ट्रांसवर्सली इट इज़ 12 cm, मतलब इस तरीके से यदि हम देखें तो 12 cm, और वेट पूरे का जो है कि 500 mg या 500 mg भी बोला जा सकता है इसको। रिलेशंस किस किस से कैसे किसे रिलेशन है, यदि आप इसको 5 नंबर में कर रहे हैं तो रिलेशन छोड़ दें, रिलेशन जनरली पूछी नहीं जाती, इतना डीप में कोई नहीं होता, बट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता ही देता हूँ। सुपीरियरली ऊपर की साइड ये डायफ्राम सेलाई, ऑप्टिक साइजमा, ट्यूबरी, ये सब नाम ही आपको याद करने पड़ेंगे। इसको याद करने का यही तरीका कि आपको इसको ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हेडसेट क्या प्रेजेंट होता है, वो याद। नीचे की साइड इरेगुलर वेनस, हाइपोफाइजियल फोसा, स्पिनोड रेयर साइनसेस, और दोनों साइड में कैवर्नस साइनसेस विद इट कनेक्ट्स। तो यही सारी प्रेजेंट चीज़ें होती है, ऊपर क्या होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, और इस साइड साइड क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वही रिलेशन हो जाती है। सब डिविजन इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। दो पार्ट होते हैं, एक तो आगे वाली और एक पीछे वाली। आगे वाली पीछे वाली वो दूसरी चीज़ है, वो समझना आप। दिस इज द एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एंड विच डिफर्स फ्रॉम ईच अदर एम्ब्रियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली। इतनी सारी चीज़ें बता दी, मतलब अलग ही है दोनों से, दोनों अलग ही हो जाएगी, ठीक है। एडेनस इज, देखो अब यहाँ पर क्यों जरूरी है अलग, क्योंकि रेत के पाउच से जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो रेत के पाउच से प्रोड्यूस होती है, एक्टोडर्मल रूफ ऑफ द साइटोडर्म। इतना याद मत करो, इसको छोड़ दो, यहाँ तक कर लो कि वो अब ग्रो एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द रेत के पाउच एंड न्यूरो अल्वेओल्स डेवलप्स एज एन डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द फ्लोर ऑफ द डाइसेफेलोन। डाइसेफेलोन जो होता है ब्रेन, जो फर्स्ट ब्रेन सॉरी फोर ब्रेन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, सेरिब्रम और डाइसेफेलोन। तो डाइसेफेलोन का एक पार्ट होता है, डाइसेफेलोन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस, इपिथैलेमस, सबथैलेमस और थैलेमस, ये सारे पार्ट होते हैं डाइसेफेलोन के, उसी का एक पार्ट भी इसको बोला जाता है, कनेक्टेड टू द हाइपो है ना फ्लोर ऑफ द डाइसेफेलोन एंड इट्स कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमो बाय द न्यूरल पाथवे, सब डिवीजन ऑफ द। अब देखो हमने क्या करा था, हमने एक तो पिट्यूटरी को दो भाग में बांट दिया था, अब क्या करना है,
इन सबको अपने को अपने इन दोनों को अलग अलग भाग में बांटना है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब एड्रेनल हाइपोफाइसिस को भी हम एंटीरियर लोब में बांटेंगे, मीडियल लोब में बांटेंगे, और हाँ तो इसको कैसे याद करना, देखो एंटीरियर से पास डिस्टलिस, इंटरमीडिया दोनों के बीच में होगा इंटरमीडिया, ठीक है, और पास ड्यूबरिकलिस। देखो पास इंटरमीडिया याद रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंटरमीडिया मतलब मीडियोला पाइट, और यही जो होता है ये एंटीरियर पुष्टि एंड जो एडेनो हाइपोफाइसिस, और देखो ये मीड वाला पार्ट जो है ना, तो ये एडेनो हाइपोफाइसिस हो गया, सॉरी ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो इन दोनों को मिलाने का काम कौन करेगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर कौन सा देकर रखा है, एंटीरियर पार्स इंटरमीडिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंटीरियर लोब में यदि हम बात करें तो पार्स डिस्टलिस जो कि दूर वाला है, और ट्यूबर कुलर जो मतलब जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको पास ट्यूबरिलिस, तो तीन पार्ट हो चुके हैं। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी पार्ट्स देख लेते हैं कितने होते हैं, तो इसके भी तीन पार्ट्स ही हैं। इन्फंडिबुलर स्टेम, ठीक है, इन्फंडिबुलर स्टेम मतलब क्या होता है, पतली सी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हो चुका है। सेकेंड भी न्यूरल लोब और पोस्टीरियर नर्वोसा, ये ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाता है। एंड मीडियन इमिनेंस, ये यहाँ पर मीडियन इमिनेंस सबसे ऊपर वाला पार्ट, तीन पार्ट हो जाते हैं। आर्टरी सप्लाई की बात करें तो वन सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी एंड वन इन्फीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी, बस इतने करना और कुछ नहीं करना है। एंड दिस वीनस शॉर्ट वेंस इमर्जेस इनटू द सुपीरियर ग्लैंड एंड ड्रेन इनटू नेपर वेन, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा आपने यहाँ पर आर्टरी जोड़ा है यहाँ पर आप इसको वेन कर दीजिए, ठीक है, क्या लिख दिए, वेन, सुपीरियर हाइपोफाइजियल वेन और इन्फीरियर हाइपोफाइजियल वेन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, बात करें तो हिस्टोलॉजी में हमको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो क्रोमोफिल सेल और एक क्रोमोफाइटिक सेल, इसके अंदर इतना डीप नहीं जाएंगे हम, इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक एसिडोफिल सेल होती है और एक बेसलोफिल सेल्स होती है इंटीरियर लोब में। देखो क्या करना है अपने को कि कोई सा भी लोब हो है ना, तो इसके अंदर क्या होती है, दो सेल्स प्रेजेंट होती है, एसिडोफिल सेल बेसलोफिल सेल्स, ठीक है, उसके बाद बस, और ये आगे जाके क्या होती है, ये जो है कि क्रोमोफोबिक सेल बन जाती है। दे रिप्रेजेंट द नॉन सिक्रेटरी फेस और द अदर टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोसीसेल्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की, तो इट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बेसलाइज सेल्स क्रोमोस अराउंड बाय द मास ऑफ द, ठीक है, बहुत सारे उससे सेल्स से प्रेजेंट होती है। सिक्रेटेड द मेलेनोसाइट्स, जो कि एक मेलेनोसाइट्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, मेलेनिन जिसको हम बोलते हैं। पोस्टीरियर लोब की यदि हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें निकलती है, ठीक है, वोसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन, ठीक है, मैं ऊपर इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स बताना भूल गया आपको, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊँगा, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन जो कि हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स यूरिन फॉर्मेशन में काम आता है, ऑक्सीटोसिन जो कि मेमरी ग्लैंड्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटराइन और इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज प्रोड्यूस फॉर दी ल्यूब्रिकेटिंग दी वजाइना फॉर दी पाथ फॉर द मतलब जो बच्चे को होने के लिए, और मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है, मतलब मेनली जो ऑक्सीटोसिन है वो फीमेल्स में वर्क करता है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला है, इसको याद करने का है, फ्लेट FLET पिग PEG है ना, फ्लेट पिग, एफ से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोप्स में आता है वो, एल से ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ए से एडिनोक्रोटिकोट्रोप्स, ठीक है, उसके बाद टी से थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, उसके बाद पी से प्रोलैक्टिन हार्मोन, ई से इनहिबिन और जी से ग्रोथ हार्मोन्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोडवर्ड तैयार करना पड़ेगा, वो कोडवर्ड होगा फ्लेट FLET PEG, ठीक है, इसको ई जो है वो साइलेंट है इसलिए जी वहाँ रखें। एंड देन हम बात करते हैं क्लिनिकल में, तो क्लिनिकल में इतना डीप नहीं जाएंगे हम, ट्यूमर हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपरसिक्रीशन हो सकता है और हाइपोसिक्रीशन अंडर प्रोडक्शन हो सकता है, एक्रोमेगाली की कंडीशन आ सकती है, इनक्रेटिजन हाइपरसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्सेसिव ग्रोथ, बोन ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, चेहरा इतना होना चाहिए तो इतना बड़ा हो जाता है, किसी किसी की टंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, डायबिटीज इंसिपिटस, क्योंकि ग्लूकोज जो होते हैं उसको हम
मतलब देखो क्रिएटिन हाइपर सिक्रीशन वैसोप्रेसिन रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस एज अफेक्टेड एक्सेसिव फीसेस एक्सेसिव थ्रस एक्सेसिव, तो इसके कारण जो होगा डायबिटीज एंटीसिपेटस भी हो सकती है, क्यूजिंग सिंड्रोम भी आपको दिख सकता है क्योंकि हाइपर सिक्रीशन और कॉर्टिसोल इन द बॉडी। ठीक है, कॉर्टिसोल से आपको एक मतलब याद रखना है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम लेवल भी कर सकता है यहाँ पर सिम्टम्स के लिए। इतना सिम्टम्स आप क्रॉप करके देख सकते हो कि कौन कौन से क्या होते हैं। एंड इफ बात के लिए तो सेंट सिंड्रोम्स एंड हाइपरपिट्यूटरीज्म, हाइपरटिज्म मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन इन एडल्ट द क्रिएट बाय द एक्रोमेगाली वाले चिल्ड्रंस ना जाइजेंटिज्म। ठीक है, आपको दो दो कंडीशंस में यहाँ पर बता देता हूँ, जाइजेंटिज्म और एक होता है डार्फिज्म। ठीक है, जाइजेंटिज्म में क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन रहता है वो एक्सिस में प्रोड्यूस होता है, क्या में प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रोड्यूस ही होता रहता है। देखो ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये देखो कितना मैंने ये कितना खींचना था और कितना खींच दिया, तो मैंने कि आपको वर्ड भी दिख रहे कि नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे ना। तो ये क्या होगा कि किसी की ग्रोथ है तो वो इतना होनी चाहिए इस तरीके से, बट वो इतनी हो जाती है तो जाइजेंटिज्म है। ठीक है, और अब किसी को किसी को एरो बनाना है तो वो एरो यहाँ से उठा के यहाँ तक भी एरो बना सकता है, बट वो एरो इतना सा छोटा बना देता है किसी को वीडियो में दिखता ही नहीं कि थायरॉइड ग्लैंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर यू भी बोन भी समझ सकते हैं, थायरॉइड भी देख सकते हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि डार्फिज्म हो सकता है। तो दो कंडीशंस हैं इसकी, एक तो जाइजेंटिज्म और डार्फिज्म, जो कि ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो डार्फिज्म जाइजेंटिज्म और कम सिक्रीशन होगा तो डार्फिज्म। तो थैंक यू वेरी मच, हमने इसी के साथ बहुत स्पीडली पूरी जो ग्लैंड है वो कवर कर ली है। तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे, और थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नॉलेज पसंद आया तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।